سانہِ پارٹی منٛز درٛامٕژ نہ ٲس کٲنٛسہِ کٔڑمٕژ ہاں وقتی طور ٲس یِمن کیٚنٛہہ تھوڑا کیٚنٛہہ تِم گٔے دوٗر اور أمۍ کوٚر واپَس اور أسۍ چھِ ویلکم کران أمِس یور یِنہٕ خٲطرٕ بِلکُل بِلکُل पहले जैसे आपने बोला कि मैं काफी पार्टीज में थी, तो जो मेरे यहाँ पे वर्कर्स हैं, सबसे इम्पोर्टेंस मैं उनको देना चाहती हूँ कि जितने भी वर्कर्स हैं उन्होंने काफी बार मुझे बोला कि मैडम हम अगर जाएंगे तो अपनी पार्टी में जाएंगे। तो ये सारी जो पार्टी है, ये रफियाबाद के जैसे हमारे खुर्शीद साहब हो गए, दिलावर साहब हो गए, यावर साहब होंगे, तो सारे रफियाबाद से ही है। तो एक कशिश होती है रफियाबाद को रफियाबाद के साथ, तो मैं भी रफियाबाद से बिलोंग करती हूँ। मुझे लगा कि मेरा जो बेहतर कल आने वाला है वो रफियाबाद की इसी पार्टी में आने वाला है, अपनी पार्टी में। और जो वर्कर्स हैं बनाने वाले वो भी काफी इस पार्टी के साथ हैं, तो मुझे भी लगा कि जो जितने भी वर्कर्स अभी बाहर हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, उन्होंने भी हमें ये बोला कि मैम अगर आपको वापसी करनी है तो आप इसी पार्टी में करिए। तो इसी वजह से आज हमने फिर घर वापसी की है इसी पार्टी में, अपनी पार्टी में, जिसका जो एक फ्यूचर है वर्कर्स का हो गया, जिसका भी हो गया, इसमें काफी मुझे ब्राइट नजर आया। इसी वजह से मैंने आज से इनके साथ ज्वाइन किया अपनी पार्टी। देखो अगर देखा जाए जी, जो डेवलपमेंट चल रही थी, जो मेरे अपने हिसाब से चल रही थी, वो तो मैंने वर्कर्स में की है। मैंने कभी भी नहीं देखा है कौन किस पार्टी का है, कौन पास किस पार्टी का है। जो भी हमारे पास एज ए बीडीसी फंड आता है वो मैंने सारा ही वर्कर्स में दिया है। चाहे आप किसी भी एरिया में देखो, किसी भी जगह देखो, मेरा फंड हर जगह है। तो अगर यहाँ पे जो 50-50, 60-60 साल के लीडरान है वो पार्टी चेंज करते हैं, मैं अभी छोटी हूँ। मुझे भी लगा हर एक जगह पे जाके कि जो मेरी इज्जत है वो इसी पार्टी में बरकरार है, क्योंकि ये अपनी अपनी पार्टी से ज्यादा फीमेल्स को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं। तो वो तो चलता रहता है, अगर हम बाजार जाएंगे 10 दुकानें देखेंगे, जहां पे चीज अच्छी मिलेगी वहीं से इंसान खरीदता है। तो मुझे ये महसूस हुआ अंदर कि हाँ ये जो पार्टी है ये हमारे लिए काफी ब्राइट है, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे वर्कर्स के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो इसी पार्टी में आज मैंने फिर से ज्वाइन किया है। मैंने भी कुछ देखा इतने महीनों में कि किसकी तरफ वेव है, किसकी तरफ नहीं है वेव। मेहनत अब हर पार्टी को करनी है, तो हम भी अगर इस पार्टी में आए, हम भी जी जान से मेहनत करेंगे। तो हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो पार्टी है रफियाबाद के लिए, इस पार्टी ने रफियाबाद के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत ज्यादा कुछ किया है। जैसे हमारे दिलावर साहब है, उन्होंने भी बहुत ज्यादा कुछ किया है। जैसे कि हमारे जो बुजुर्ग वर्कर्स है हमेशा बोलते हैं, तो एक मैं अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी से हूँ तो इन्होंने एक हमें ऐसी रिस्पेक्ट रखी। अगर मैं कुछ महीने इधर भी थी लेकिन तभी मुझे इनके वर्कर से वैसी ही इज्जत मिलती रही है जैसे पहले मिलती थी। कभी इन्होंने नहीं बोला कि आपने इस पार्टी को ये किया, उसको ये किया, वो रिस्पेक्ट मुझे बराबर रही। इसी वजह से मुझे ये महसूस हुआ कि अगर मैं इनकी पार्टी से निकल के दूसरी में गई थी तो मुझे वो इज्जत मिलती रही, अगर मैं फिर से इसी पार्टी में आऊंगी तो वो इज्जत मेरी दुगनी हो जाएगी। तो इसी वजह से क्या उम्मीद करेंगे अब मेहनत है, बस अब मेहनत है कि आगे जो आने वाला समय है वो इस पार्टी को हमने स्ट्रेंथन करना है, स्ट्रांग करना है। तो बस यही दुआ करते हैं कि ऊपर वाला हमें इसके लिए एक ताकत दे ताकि हम अपने वर्कर्स को, अपनी पार्टी को रफियाबाद में हर जगह स्ट्रांग कर सके। देखो मैं अपने वर्कर्स को यही कहना चाहती हूँ, जो मेरे हमारे वर्कर्स हैं इस पार्टी को, उनको चाहिए कि आगे अभी और वर्कर्स भी बनाए। अगर हमारा एक वर्कर है उसको आगे चाहिए और वर्कर भी बनाए, क्योंकि फायदा इसी में है। तो हमारा भी जितना भी साथ होगा, हमारे वर्कर्स के साथ होगा, जो भी आना चाहे उनके भी साथ होगा। तो बस यही मैसेज है।